दोस्तों टॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो अपनी टैलेंट के दम पर सिर्फ टॉलीवुड इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है, और उनमें से ही एक है मुरली शर्मा। एक साधारण आदमी से सेलिब्रिटी बनने तक का सफर आसान नहीं था मुरली के लिए, लेकिन वे अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत और संघर्ष करते गए और एक आम आदमी से लेकर एक कामयाब एक्टर बनने तक का सफर तय किए। वैसे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मुरली शर्मा की लाइफ स्टाइल और उनकी फुली लाइफ स्टोरी जानेंगे, कैसे यह एक सुपरस्टार बने जिससे आपको भी अपने जीवन में एक सफल इंसान बनने के लिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुरली का रियल नेम है मुरली शर्मा और इनका निक नेम है मुरली। मुरली शर्मा प्रोफेशन से एक एक्टर हैं और वही मुरली शर्मा नेशनलिटी से इंडियन और रिलीजन से हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मुरली शर्मा के अर्ली लाइफ की। तो मुरली शर्मा का जन्म 9 अगस्त 1972 को आंध्र प्रदेश इंडिया में हुआ था, मगर इनके जन्म के कुछ समय बाद इनके फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी, इसलिए मुरली का पालन पोषण मुंबई में ही हुआ। वैसे 2022 के हिसाब से इनकी उम्र होती है 50 साल। वैसे मुरली ने अपने स्कूल की पढ़ाई मुंबई के एक गवर्नमेंट स्कूल से अपने स्कूल की पढ़ाई कम्प्लीट की। वैसे तो मुरली अपने पढ़ाई लिखाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, क्योंकि इनके ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं बल्कि एक्टिंग में था, इसलिए इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई के बाद अपने कॉलेज टाइम से ही एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर ली थी। वैसे इस एक्टिंग स्कूल का नाम था रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल मुंबई, और यह अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि यह अपने कॉलेज की क्लास को बंक करके मूवी देखने चले जाते थे अमिताभ बच्चन की, और बड़े होकर अमिताभ बच्चन की तरह ही एक सुपरस्टार बनना चाहते थे। वैसे जब इन्होंने अपनी एक्टिंग में डिप्लोमा कम्प्लीट कर ली तो यह कई सारे टीवी सीरियल्स और फिल्म के लिए ऑडिशन देने जाते। शुरुआत में तो इन्हें सिर्फ रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता, क्योंकि इनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी जान पहचान का नहीं था, मगर फिर भी मुरली शर्मा ने हार ना मानकर लगातार फिल्म्स और टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन देते रहे। फिर काफी जगह ऑडिशन देने के बाद इन्हें एक टीवी सीरियल में सिलेक्ट कर लिया गया, जिसका नाम था घर जमाई, जो कि साल 1997 में आई थी। वैसे इस सीरियल में मुरली ने डॉक्टर सलीम का रोल प्ले किए थे, और इस सीरियल में मुरली ने अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस दी, जिसके चलते टीवी सीरियल्स में काफी पहचान मिल गई। फिर जिसके बाद मुरली ने कई सारे टीवी सीरियल्स में अपना एक अहम रोल निभाए हैं, जिसका नाम है साया, रिश्ते और लागी तुझसे लगन। टीवी सीरियल्स में काम करने के बाद मुरली ने फिर से मूवीज में काम करने के लिए ट्राई किया, और फिर से मूवीज में काम करने के लिए ऑडिशन देने लगे, जिसके चलते इन्हें एक हिंदी मूवी मकबूल में एक साइड एक्टर का रोल प्ले करने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, और इस फिल्म में इन्होंने देव सरे का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया, जिसके चलते इन्हें फिल्मी दुनिया में भी थोड़ी बहुत पहचान मिल गई थी, और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिर जिसके अगले साल ही मुरली की एक्टिंग को देखते हुए इन्हें शाहरुख खान की मूवी मैं हूं नाम में सिलेक्ट कर लिया गया, जिसमें भी मुरली शर्मा की एक्टिंग को काफी नोटिस किया गया, जिसके चलते इनकी यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। दो लगातार सुपर हिट मूवीज में काम करने के चलते मुरली को फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी पहचान हो गई थी, जिसके चलते मुरली को मूवीज भी मिलना चालू हो गई, जिसके चलते इन्हें साल 2005 में भी एक मूवी अपहरण में सिलेक्ट कर लिया गया, और यही मूवी के दौरान इनकी मुलाकात इनकी फ्यूचर वाइफ अश्विनी कलेसकर के साथ हुई, और तभी से यह दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, और फिर आगे चलकर साल 2009 में शादी भी कर ली। वैसे मुरली शर्मा ने अब तक 130 फिल्मों से भी ज्यादा में अपना एक अहम रोल निभा चुके हैं, जिनमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी और मलयालम फिल्में भी शामिल हैं। वैसे इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में बहुत सारे सुपर डुपर हिट मूवीज दी है, जिसके नाम है ढोल, गोलमाल रिटर्न, सिंघम, इवेरू, गोलमाल अगेन, साहो और मेजर जैसे सुपरहिट्स मूवी शामिल है। वैसे दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी मूवी मुरली शर्मा की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म रही है, और साथ में यह भी बताएं कि आपको मुरली शर्मा की एक्टिंग कैसी लगती है। वैसे दोस्तों मुरली शर्मा को अब तक इनके सुपर डुपर हिट मूवीज के कारण बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जिसकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मिल लेते हैं मुरली शर्मा के फैमिली से। तो मुरली शर्मा के फादर का नाम है बृजभूषण शर्मा, और वह इनकी माँ का नाम है पद्मा शर्मा। इसके अलावा इनकी वाइफ का नाम है अश्विनी केलेस्कर, जो कि यह भी एक एक्ट्रेस है, और इन्होंने इनसे साल 2009 में शादी की थी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें मुरली शर्मा के इनकम की, तो मुरली शर्मा एक फिल्म करने के 80 से 90 लाख रुपये चार्ज करते हैं, और वही यह एक ब्रांड प्रमोशन करने के 10 से 15 लाख रुपये चार्ज करते हैं, और इन्होंने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, जिससे भी इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें मुरली शर्मा के पूरे नेटवर्थ की, तो मुरली शर्मा की पूरी नेटवर्थ लगभग 90 करोड़ रुपीज। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मुरली शर्मा के कार्स कलेक्शन की। तो मुरली शर्मा के पास एक टोयोटा इनोवा कार है, जिसकी प्राइस है 20 लाख रुपीज। इसके अलावा इनके पास एक BMW 3 सीरीज कार है, जिसकी प्राइस है 60 लाख रुपीज, और वह इनकी लास्ट कार है ऑडी Q3, जिसकी प्राइस है लगभग 45 लाख रुपीज़।
तो दोस्तों यह थी इंडियन सिनेमा की फिल्मों में अपना एक अहम किरदार निभाने वाले एक्टर मुरली शर्मा की लाइफ स्टाइल और इनकी पूरी लाइफ स्टोरी वीडियो। वैसे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो कर दे इस वीडियो को लाइक और साथ में ऐसे ही लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टोरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।